मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दो दिन से मेरे कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ। तो दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी कंटिन्यू। तो अब से आपको मेरी ब्लॉग कंटिन्यू मिलेगा। अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीपी चेक करवाया था तो बीपी लो बता रहे थे डॉक्टर, तो इस चक्कर में दो दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आज सुबह उठ के मैंने बना लिया है आलू की सब्ज़ी। कायन पापा जा चुके ऑफिस और आलू की सब्ज़ी बनाया मैंने इनकी लंच में और नाश्ते के लिए, और लेके बैठी हूँ चाय। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ले लिए चाय और डाइट नमकीन, थोड़ा सा नमकीन बचा हुआ है तो कल मम्मी लेके आई थी। तो कायरू पापा और कायरू की बुआ ने खा लिया था, थोड़ा सा रखा था, मैंने कहा चाय के संग खा लूँ। सुबह मन करता, मुझे शाम को दिल नहीं करता खाने का। मैं पी रही थी चाय और चाय पीते पीते बाहर का नज़ारा देखिए, अभी तो बज रहा है। दीदी कितना बज रहा है? दीदी चले गई है, 9:30 हो रहा है और कोई कहेगा नहीं कि 9:30 हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि सुबह की 6 बज रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। कपड़े तो खैर मुझे लगता नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कपड़े तो नहीं है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब पड़ेगा ठंड। ऐसा लगेगा कि सर्दियों का टाइम आ गया, यहाँ तक छींटे पड़ रहे, बस ओले पड़ने ही रह गया, बाकी तो बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। बारिश का मौसम आया, चाय पकौड़े की डिमांड हो गई। देख लेती हूँ पीछे कपड़े तो नहीं है, वरना सब उड़ जाएंगे। कुछ कपड़े थे पीछे तो मैंने उठा लिया है। और बाहर के मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुर्सी डाल के बैठ जाए। और देखो तो सुबह तो 9:30 बजे ही कोई तो नहा नहीं निकल रहा है छत पे। इनको देखो सब बारिश की मज़ा भी ले रहे। वैसे सुना है बारिश के पानी में नहाने से पिंपल्स नहीं होते, घमोरे नहीं होते। खैर मुझे तो खैर कभी भी घमोरी हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो बारिश के पानी में नहाने से बहुत अच्छा रहता है। चाय मैं कर रही दीदी के लिए दोबारा गर्म, क्योंकि एक बार चाय पी चुकी तो कह रही मौसम इतना अच्छा है दोबारा चाय पिला दो। मैंने कहा ठीक है। और पानी यहाँ किचन तक आ चुका है, किचन की खिड़की में से पूरा पानी। अगर बहुत तेज़ बारिश आता तो यहाँ पर पूरा भीग जाता है। यहाँ पर क्योंकि एरिया दोबारा खुला है वहाँ से, तो देख सकते हैं आप लोग कैसे पानी गिर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस। मेरे तो पसंद है छोले भटूरे, तो मैं पकोड़े में उतना वो नहीं जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बस छोले भटूरा मिल जाए। तो मैंने कायरू पापा से कल ही मैंने कहा था कि मुझे छोले भटूरा कब खिला रहे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे छोले भटूरे खाए हुए। तो कायरू पापा ने कहा कि बस इस संडे अगर छुट्टी रहेगी तो ले जाऊँगा या फिर लेके आऊँगा, जैसा भी होता है। और दीदी के लिए मैंने अभी तक रोटी बनाई नहीं है। सब्ज़ी तो मेरा बन चुकी थी आलू की, जो मैंने बताई थी आप लोगों को, पतली पतली सी स्लाइस काट के मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, हल्की सी तरी वाली। तो तरी हो गई साइड साइड, और रोटी मैं इनके लिए बना दे रही हूँ अभी, क्योंकि टाइम हो गया उनके जाने का भी। तो मैं सोचती हूँ कि जितना लेट हो उतना ही सही है, थोड़ा ताज़ा रोटी मिल जाएगी, क्योंकि जब तक उन लोग खाते तब तक तो रोटी मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो मैं तो दोबारा चाय पी लूँगी, मैंने एक ही बार चाय पिया है। मैं दोबारा तो बहुत ही कम पीती चाय, जब मेरा मन होगा तभी वरना नहीं पीती। दीदी की लंच मैंने लगा दिया है, रोटी मैंने पैक कर दिया है और आलू की सब्जी निकाल चुकी हूँ मैं। इससे रब करूँगी, वरना तो सारा तेल निकल के इनकी मतलब फाइल वाइल में लग जाएगी। और बचे का जो बचने का जो सिलो फॉइल वो मैं स्पून में लगा दूँगी यहाँ पर। तो इनके टिफिन मैंने पैक कर दिया है। इसलिए मैं बना रही पराठा, और यहाँ मैंने दो बना के रख दिया है और सब्जी दे दिया है और अचार रखे हैं। और जो कल मैंने बनाए थे बैगन का डिश वो मैंने दिया है। कल मैंने ये डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, जैसे करेला बनाया होगा, बनाया था होगा नहीं सॉरी, तो उस स्टाइल में ही मैंने बैगन फ्राई किया था। तो वो अच्छा लग रहा था खाने में, पर वो क्रंची ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो एक बज गया था, सो पापा को दे रही हूँ मैं। और पापा आज लेके जा रहे नाश्ता ऊपर, तो तीन पराठा मैं रख नहीं रही, चार पराठा बना दे रही हूँ, क्योंकि तीन नहीं रखा जाते। और मम्मी नाश्ता कर नहीं रही हैं आज,
पापा के नाश्ता निकल चुकी है, चार पराठा बन चुकी है, तो मैं दे देती हूँ, पापा लेके चल जाएंगे ऊपर। तो नाश्ता देने के बाद ये भाई साहब उठ चुके हैं हमारे, और हमारी मैडम जी भी उठ चुकी हैं, है ना नीतो दीदी? आपने बताओ तो सुबह सुबह से आपने क्या खा लिया है, सबको बताओ। तो सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। और बताओ आपने क्या खाया, बोलो बाबू। टी शर्ट छोड़ो, बोलो बाबू पिया। बाबू पिया, वेरी गुड। और अभी क्या खाना चाह रही हो नीतो दीदी? खाना में क्या? पपीता काट दूं इन्हें, पपीता खाना है। तो नाश्ता अभी मैंने इनको करा ही नहीं था, तो पहले मैं इनको पपीता काट के देती हूँ, ठीक है? दे रही मम्मा, पपीता मैंने काट दिया है। और जो पपीता लेके आए थे भैया, वो थे कच्चे थे, पर फिर भी बच्चे माने नहीं, बच्चे सारे खा रहे हैं, और खास करके तो नित्तो सबने खाया। खैर तो ये दे रही मेरे खा रही बड़ी मम्मी को, लो। और पराठा खाओगी? क्योंकि इनकी तबीयत नहीं है, इनकी तबीयत हो गई ख़राब, नहीं है कह रही। और सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई थी 9:30 बजे, और 11:30 बजे इतना भयंकर धूप निकल आया, कोई कह ही नहीं सकता कि इतना तेज़ बारिश हुई थी। ठंडा मौसम को अब ये गर्म कर देंगे, और 2 घंटे अगर ऐसी धूप तेज़ निकलती रही तो। तो नाश्ता पानी पापा करके प्लेट दे के जा आ चुके हैं, और ये लोग तो पपीते ही में बिजी है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई नाश्ता करने वाले। और दो पराठा मैं सेक ले रही हूँ अपने लिए। सब पापा ने नाश्ता कर लिया है, आलू की सब्जी पूरा चट, शायद अच्छा बना है, पर मैंने अभी चखा भी नहीं है। तो मैं तो पपीता खाती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं तो वैसे भी नहीं खाती, और ऊपर से ये कच्चा है तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं उठता। और दो पराठा सेकूँगी, बच्चों को पूछूँगी, मुझे लगता नहीं कि खाएंगे तो ठीक है, पर ये पपीता मैं सोच रही हूँ कि पेपर दे के कवर करके रख दूँ। और एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से, अभी तो घर में ना ही नहीं हूँ, लेकिन आम कटवा के रख दिया था मैंने कल पापा से कह के। कायरू भाई सब आए, कह रहे कि और चाहिए। ये तो रही, खा लो पहले, वो तो खत्म, पहले ये फिनिश कर लो आप, आ जा। तो कल लेके आए थे मम्मी आम, सो कल ही मैंने धो के कटवा दिया थे पापा से, और आज नहा के मैं डालूंगी अचार। मैं बिल्कुल भी, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हल्दी डाल के दस दिन सुखा लेते अच्छे से, उसके बाद ही अचार डालते। पर हमारे ससुराल में मैंने देखा है कि धोली अचार और कच्चा अचार ही डाल देते हैं, और खा भी लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी खा लेते हैं इन लोग बहुत ही कम ऐसा होता है कि सूखा के अचार डालते। तो मैंने एक बार डाला था अचार, और वो भी खा लिया था, अच्छा ही बना था, शादी के बाद ही डाला था, कभी मैंने वैसे अचार डाला नहीं था। तो आज मैं नहा धो के मैं डालूंगी अचार, तो उसके सारे मसाला भी पापा से मैंने मंगवा लिया है, अलग से तेल भी मंगवा लिया है, और जो मम्मी ने अचार दिया था उसका तेल रखा है, तो उसका तेल रखा है। तो फिर उसके बाद मैं उसको बोवा लिया तेल, और ये बार जो तेल मैंने मंगवाया वो दोनों तेल देके मैं अचार डाल दूंगी नहाने के बाद, क्योंकि नहाने से पहले छूते नहीं है। और मैंने जो पपीता काटा उसका पस हाथ में चिपक रहा बिल्कुल, तो ये क्लीन करके पहले मैं बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता, भूख लगे क्योंकि मुझे, और दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर बिना खाए पिए इतना अगर काम करूँगी तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊँगी, तो इसलिए पहले मैं नाश्ता कर लूँगी, इसके बाद ही काम करूँगी। क्योंकि बड़ी मम्मी के लिए मैंने बनाया दलिया की खिचड़ी मूंग दाल डाल के, पतली सी चाहिए था उन्हें। और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और कायरू को दिया, पीयू को दिए सिवैया, लेकिन वो खाने, देखना खा पाऊंगी ऐसे दो चार सीटी और लगा दूँ, देख लेना नमक वमक जैसा भी होता, घी डालना है ऊपर से। और कायरू को तो बस नींबू का खेल खेलना है ना, तो इन्वर्टर में पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है, वो दिखा रहा है कि बैटरी लो है, चार्ज नहीं ले पा रहा, जबकि इसमें चार्ज की ऑप्शन भी आ रही थी जब लाइट था, अब लाइट नहीं है, चल भी नहीं रहा, ऑफ करने के बाद ये वाला हट ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। सोच रही हूँ बाहर से जाके स्टेबलाइजर गिरा दूं, क्योंकि अंधेरे में तो काम हो नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी धूप आ रही है और धूप जा रही है, तो इस रूम में हो रही बिल्कुल अंधेरी, मैं कैसे अंधेरे में बर्तन वगैरह धोऊं। आधा बर्तन मैंने सुबह धो लिया था, और फिर भी किचन फैला गया, क्योंकि जब तक नाश्ता नहीं होती प्रॉपर तरीके से तब तक। और देखो, इन्होंने कायरू को दिया था मैंने, पर इन्होंने खाया नहीं, नाश्ता नहीं करा, पपीता नहीं खाया, अभी सिवैया भी खा रहा, बस ये नींबू का खेल है। लो भाई बैठ के खेल लो और खा लो। अच्छा मम्मा खिला दे, आओ आ मम्मा खिला दे, आ जाओ जाओ। हो चुकी नहा के रेडी, और सारे काम मैंने घर का कर लिया है, तो आज मैं कुछ भी शेयर कर नहीं पाई आप लोगों से। और खाना बना के गई थी मैं नहाने, दिखाती मैं आप लोगों को। तो खाने बनाए मैंने कोफ्ते, और बना था चावल और अरहर की दाल,
मैं डालूंगी अभी अचार, तो मैं सोच रही पहले बच्चों को खाना खिला दूँ और झाड़ू पूजा सब कर लिया। आज बस मैंने कपड़े नहीं धोए, ना ही हाथ से धोए और ना ही मैंने मशीन चलाई। तो अगर मैं चलाऊंगी तो शाम 5 बजे तक मशीन चलाऊंगी सबके नहाने के बाद। नहाते वैसे सब लिए, बस मम्मी रह गई हैं, मम्मी अभी आई हैं, पानी दिया। हाँ मम्मी, हाँ बनाए खाना? गुस्सा वेस्ट क्यों कर रहे हो बेटा? सही बात है, आपकी स्ट्रोक आ गए बच्चा। अच्छा लाइए फिर। बच्चों को खाना मैंने निकाल दिया है, दाल चावल। मम्मी पापा तो खा नहीं रहे, उनके लिए चाय मैंने चढ़ा दिया है। आ जाओ, आओ कायरू नितो, आ जाओ बेटा। कायरू को सुला के मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों को सुला के तब सुगुन से आना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे आम के अचार बनाना है। तो एक चीज़ और काम नहीं किया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बर्तन में धो रही थी तो पानी चला गया था, तो मेरा किचन तो फैले ही पड़े। मैंने सोच रहा था कि मैं सोच रही थी कि किचन वगैरह साफ करके तब मैं मतलब कि मसाला वसाला भूनूंगी, जो कि मुझे भूनना है, कुछ कुछ फ्राई करने हैं, कुछ नहीं करना है। तो मैं आराम से मैं आम के अचार भी डाल दूँगी। और थोड़ा बारिश हो गई तो आम काट के रख दिया, एक दिन हो गया तो काला पड़ गया आम। तो अचार मैंने डाल दिया है, इसकी रेसिपी खैर मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं सेकंड टाइम में डाली हूँ। अगर ये अच्छा बनेगा, अच्छा लगेगा टेस्ट में खाने में, तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और शाम की बर्तन वगैरह मैंने धो दिया है, तभी धो दी थी, पानी नहीं था इसलिए नहीं धो पाई थी, तो बर्तन वगैरह धो दिया। और मैंने कपड़े चलाए नहीं थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, इस चक्कर में मैंने कपड़े भी नहीं चलाए थे। और कल चलाऊंगी जल्दी मशीन। पापा मम्मी तो चाय पी के जा चुके हैं, तो दीदी आ गई, दीदी नहा लेगी तो फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि पूजा कर लेती हूँ, दियावती जला देती हूँ, क्योंकि शाम की दियावती मैंने कर दिया है। और मैं जा रही थी चाय चढ़ाने, चाय पीने के बाद सोचूंगी खाने में क्या बने। और हमारे लाल लग रहा है, जब उठेंगे नहीं 7:30 होने वाला है 5 मिनट में। तो शाम की चाय मैंने ले लिया है और दीदी के सामने दीदी की चाय रख के आई हूँ, पर दीदी को दिखी नहीं है। तो पहले पीते हैं चाय, उसके बाद सोचा है सब्जी की। तो आप चाय पियोगी? गुड गर्ल, लड़की हैं, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते हैं ना। तो कायरू की दीदी आई हैं ऊपर से खेलने के लिए, तो कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है आपको? कढ़ी चावल तो अब नहीं बन सकता, कढ़ी चावल 8 बजे बन तो सकता है, पर उसको नहीं बन ही रखा। खा लो, उसमें क्या है? मेरे डिब्बे में कर देना, ठीक है, नहीं छेड़ेंगे। तो शाम की तैयारी में मैंने बना के रखा, आप लोगों को लग रहा है टिक्की, लेकिन ये टिक्की नहीं है, सॉरी, ये पत्ता गोभी के कोफ्ते बना रही हूँ, वो भी डिफरेंट स्टाइल में। और चावल बने रखे हैं, दाल रखी है जो किसी ने नहीं खाई है, और आटा मैंने लगा के रख दिया है, जो कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो जैसे सब्जी छौंकेंगे उसके बाद तुरंत ही रोटी बनाऊँगी। और यहाँ कायरू पापा लेके बैठे हैं भुट्टे, और आगे का मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी। तो मैं सोच छौंक रही थी सब्जी, और सारे बच्चे, तीनों बच्चे मतलब गए ऊपर दादा दादी के पास। तैयारी मैंने करके रखा लेकिन लेट हो गया थोड़ा सा, पत्ता गोभी घर में था नहीं, मैं नीचे गई फिर सब्जी लेके आई पत्ता गोभी, तब जाके किसा बहुत महंगा, मतलब किसा पर एक गलती हो गई क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी मैं, तो मुझे इसका पानी निचोड़ लेना चाहिए था। तो मुझे सारा मसाला सब मिक्स करने के बाद ये गलती हुआ कि फिर मुझे निचोड़ना पड़ा, फिर सब कुछ डालना पड़ा इसमें, तब जाके बनाइए बननी चाहिए आपको दे रही। तो मुझे बस आप लोगों से ये कहना है कि कभी भी पत्ता गोभी की कोफ्ते बनाएं तो हमेशा लौकी की तरह उसके भी पानी निचोड़ ले, उसके बाद ही मसाला मिलाइए, क्योंकि मैंने ये गलती कर दिया, पर मुझे इतना मेहनत पड़ा, आप लोगों को ना पड़े, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। वही मैंने बोला, कायरू पापा कह रहे कि लौकी की नहीं पत्ता गोभी की, तो मैंने कहा लौकी और पत्ता गोभी बात बराबर ही, जैसे लौकी में हम पानी निचोड़ के तब मसाला मिलाते हैं, ऐसे ही मैं पत्ता गोभी की बोल रही हूँ कि पानी निचोड़ने के बाद ही मसाला मिलाइएगा। पर बहुत फ्राई मैंने खा के देखा, दीदी लिया था,
तो बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी लगा था। ऐसे भी फ्राई खा सकते हो, लेकिन ये जो इसकी शेप है और थोड़ी सी जो मोटाई है, थोड़ा कम करके अगर फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये तो मैंने सब्जी के हिसाब से बनाई, तो थोड़ा सा मैंने मोटा रखा ताकि घुले ना वो ग्रेवी में। तो मेरा तेल हो चुका है, तो मैं अगली अपनी रेसिपी का तैयारी करती हूँ, और बात की आप लोगों की बाद में मैं बताऊँगी कि कैसा आप बनाएं, खाने में कैसा लग रहा है, देने के बाद ही मैं इसकी आगे का वीडियो बनाऊँगी। तो खाना पीने सबका हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने धो के रख दिया है। सोने चले मामा, वीडियो खत्म कर दे। और जो मैंने सॉरी लौकी कह रही थी, तो पत्ता गोभी की जो कोफ्ते मैंने बनाए थे, खाना पीना सबका हो चुका है, और जो पत्ता गोभी की कोफ्ते बनाए थे मैंने, वो भैया के लिए रखा है, बाकी तो सब लोगों ने खा लिया और बची भी नहीं है। और बर्तन वगैरह धो के मैंने रख दिया है। आज की ब्लॉग में यही समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मेरे तरफ सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।